हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सुप्रतिम और आप देख रहे हो मेरा चैनल रिव्यूज अनबॉक्स, टेक न्यूज का सही ठिकाना। शुरू करते हैं आज का टेक एपिसोड। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला न्यूज आ रहा है वो है वीवो की तरफ से। तो वीवो ने और एक नया फोन लॉन्च कर दिया है चाइना में। दोस्तों, ये जो फोन है ये है आपका Y7S। हाँ दोस्तों, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है आपका कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में जो एक फोन वीवो ने लॉन्च किया S1। हाँ, उसी के जैसा ही ये फोन है। ये फोन आपका सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। अगर इसका स्पेसिफिकेशन का बात करें तो ये फोन आता है आपका हीलियो मीडियाटेक P65 SoC चिपसेट के साथ, 6.38 इंच का नॉच एमोलेड डिस्प्ले, 16 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है, और जिसपे मिल जाता है 4500 mAh का बैटरी। तो दोस्तों, ये जो फोन है ये इंडिया में कब तक हमें देखने को मिलेगा अभी तो कुछ पता नहीं है। और इसका अगर इंडिया में प्राइस का बात करें तो ये करीब करीब 18,000 के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल होगा। तो देखते हैं कब तक वीवो लाता है ये फोन इंडिया में। तो अगर आप एक वीवो यूजर हो, अगर कोई भी वीवो का फोन आप यूज करते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। दोस्तों, हमारा जो आज का अगला न्यूज आ रहा है वो है इसरो की तरफ से। तो इसरो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पे ट्वीट करके बता दिया है चंद्रयान 2 का लॉन्च डेट। हाँ दोस्तों, ये जो लॉन्च डेट है ये होने वाला है आपका 22nd ऑफ जुलाई दोपहर को अराउंड 2 से 2:30 बजे के बीच में। तो दोस्तों, इसका जो पहले का डेट था वो था 15th ऑफ जुलाई, मगर ये हो नहीं पाया ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस और प्रॉब्लम्स के वजह से। तो अभी ये सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दिया गया है, तो चंद्रयान इज रेडी टू लॉन्च। तो देखते हैं हमें क्या क्या नए इंफॉर्मेशंस देखने को मिलता है आफ्टर दिस लॉन्च। तो तब तक के लिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा अगला न्यूज आ रहा है वो है सोनी की तरफ से। तो सोनी बहुत जल्दी अपना एक फोन लाने वाला है जो कि आएगा 5K रेजोल्यूशन के साथ। दोस्तों, ऐसा ही कुछ लीक्स बाहर आ रहे हैं जो कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो। जापानीज वेबसाइट सुमाहो इन्फो ने ये लीक टीज किया है कि शायद से हमें देखने को मिले सोनी का 5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। तो दोस्तों, फोन का तो कुछ नाम कुछ कंफर्म हुआ नहीं है, मगर नाम से आपको बता दूं ये सोनी एक्सपीरिया 2 नहीं होने वाला है। ये ऑलमोस्ट इसका जो नाम सामने आ रहा है ये है एक्सपीरिया 1R। हाँ दोस्तों, यही कुछ नाम सामने आ रहा है। तो देखते हैं कब तक सोनी लाता है ये अपना फोन। मगर सोनी का अगर एक्सपीरिया का भी बात करें, एक्सपीरिया 1 का भी अगर बात कर ले, तो उसका जो वो बेजल है ना, वो जब तक अपना बेजल नहीं हटाएगा, जब तक वो ना एक और एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा स्क्रीन में, जैसे कि वहाँ 4K 5K ये सब ठीक है, मगर वो फुल स्क्रीन नॉच स्क्रीन ऐसे ये सब सारे चीज़ें जो बाकी के ब्रांड्स कर रहे हैं ये नहीं करेगा, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है मार्केट में। आप क्या सोचते हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, हमारा जो आज का अगला न्यूज़ आ रहा है वो है हुआवे की तरफ से। तो हुआवे का जो सब ब्रांड है ऑनर, उसके अंडर एक टीवी लॉन्च करने वाला है हुआवे। तो ये जो टीवी है ये फर्स्ट डिवाइस होने वाला है हुआवे की तरफ से जो कि आएगा हुआवे के खुद का OS के साथ। हाँ दोस्तों, इसका जो होंगमैंग या तो हार्मोनी OS जो कि इसका नाम है, तो ये OS आपको देखने को मिल जाएगा इस टीवी में। इस टीवी का साइज जो है ये होने वाला है 55 इंच, और बाकी के जो भी साइजेस वो अब तक कंफर्म नहीं है हुआवे की तरफ से। तो देखते हैं कब तक ये टीवी लॉन्च होता है मार्केट में। अभी तक तो कुछ कंफर्म लॉन्च डेट या तो अदर स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आया है, मगर हाँ, एज पर द सोर्स इसका जो OS है ये क्या होने वाला है इस टीवी में वो कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों, देखते हैं कब तक ये टीवी आता है और हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारा जो आज का अगला न्यूज आ रहा है वो है HTC की तरफ से। तो HTC का वाइल्ड फायर एक जो फोन 2011 में लॉन्च हुआ था, तो उसी का 3 और वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। उसका कुछ लीक्स बाहर आया हुआ है दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो। तो ये जो फोन है ये आने वाला है आपका HTC वाइल्ड फायर HTC Wildfire E+ और HTC Wildfire E1। तो दोस्तों, ये जो फ़ोन है ये 3 फ़ोन आने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक वेरिएशंस के साथ। मतलब सारे फ़ोन जो है वो मिड रेंज फ़ोन होने वाले हैं, और इसमें आपका अगर स्पेसिफिकेशंस का बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन ये हीलियो मीडियाटेक का चिपसेट के साथ आएगा। और भी कुछ इसके जो कैमराज है, इसका कैमरा वेरिएशंस भी अगर आप देखोगे तो कोई एक डुअल कैमरा, कोई एक सिंगल कैमरा, ऐसे ही कुछ। तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ मिड सेगमेंट एंट्री सेगमेंट फोन। तो देखते हैं कब तक ये जो फोन है ये हमें मार्केट में देखने को मिलता है। तो अगर आप HTC यूज करते हो, अभी भी आपके पास अगर है एक HTC का एंड्रॉइड फोन, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, हमारा जो अगला न्यूज आ रहा है वो है ऑनर की तरफ से। तो ऑनर का 20 प्रो आपको याद होगा, तो उसका एक कलर वेरिएंट है जो कि है फैंटम ब्लू। हाँ दोस्तों, ये कलर बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया था जब ये लॉन्च हुआ था। तो अभी आपको ये सेम कलर Honor 20 में भी देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, ये जो कलर है ये
वेरिएंट, कलर वेरिएंट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा इंडिया में, मगर अभी के लिए ये अभी चाइना में लॉन्च हो चुका है, जो कि सेल में जाने वाला है 18th of July, जो कि कल है, तो कल से ये चाइना में अवेलेबल हो जाएगा और शायद से बहुत जल्दी हमें इंडिया में भी ये कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा। अगर आप 20 Honor 20 का बात करो 20 Pro के साथ, तो ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, अराउंड सिर्फ उसके बैटरी और कैमरा का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, बाकी सारे स्पेक्स एंड फीचर्स सेम आते हैं दोनों फोन में। तो दोस्तों देखते हैं कब तक ये फोन मार्केट में आता है और हमें देखने को मिलता है। काफी कलर, ये मुझे तो बहुत पसंद आया, इट्स रियली वेरी नाइस कलर। और इसके जो अभी इंडिया में कलर्स अवेलेबल है वो है आपके सफायर ब्लू, मिडनाइट ब्लैक एंड आइसलैंड व्हाइट। हाँ दोस्तों, ये जो कलर्स है ये आपको मिल जाएगा इंडिया में, तो मैंने इसका बाइंग लिंक नीचे दे के रखा है, अगर आपको परचेस करना है दोस्तों आप जाके इसको परचेस कर सकते हो। दोस्तों हमारा जो आज का अगला न्यूज आ रहा है वो है ओप्पो की तरफ से, तो ओप्पो का A9 जो कि 3 महीने पहले चाइना में लॉन्च हुआ था वो अभी इंडिया में आ चुका है। दोस्तों ये जो फोन है ये इंडिया में आपको मिल जाएगा 20th of July से ऑल ई कॉमर्स वेबसाइट पे, ऑफ प्राइस ₹15,490 के प्राइस ब्रैकेट पे। और दोस्तों ये जो फोन है इसका सिर्फ सिंगल वेरियंट ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि है 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। और इसका अगर स्पेसिफिकेशन का बात करें दोस्तों, ये आपका हीलियो P70 SoC चिपसेट के साथ 6.53 नॉच फुल HD डिस्प्ले के साथ। और इसमें अगर कैमरा का बात करें तो इसमें फ्रंट में मिल जाता है 16 मेगापिक्सल कैमरा और बैक में 16+2 मेगापिक्सल कैमरा। और बैटरी का बात करें तो इसमें आ जाता है 4020 mAh का बैटरी। तो दोस्तों ये एक काफी अच्छा मिड सेगमेंट फोन है, अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो 20th of July को। दोस्तों आज का जो हमारा अगला न्यूज आ रहा है वो है एप्पल की तरफ से, तो एप्पल का जो लोगो है दोस्तों आपको याद होगा कि नहीं, एप्पल 1984 में एक रेनबो लोगो के साथ आया था जो कि यूज होता था आपका मैकिंटॉश डिवाइसेस में। तो दोस्तों वही सेम रेनबो लोगो आने वाला है एप्पल के आने वाले फोन्स में भी। हाँ दोस्तों, शायद से एप्पल रिप्लेस करने वाला अपना करंट लोगो विद दैट रेनबो लोगो। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत लोगो है और देखते कब तक ये लोगो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि और बस एक ही महीना बचा है, सितंबर में ऐप का इवेंट है, तो शायद से हमें ये लोगो देखने को मिल जाए। इट्स क्लासी एक्चुअली, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों हमारा जो आज का अगला न्यूज आ रहा है वो एक रिसर्च बेस है। हाँ दोस्तों, ऐसा एक रिसर्च सामने आया है जिससे रिसर्चर्स बता रहे हैं कि वीडियो गेम्स कैन इंप्रूव योर इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ दोस्तों, जो लोग गेम्स खेलते हैं ना अपने फोन में, अपने PCs में, मैं भी बहुत खेलता हूँ, आप मेरे PC देख सकते हो, तो फोन में भी इवन मैं खेलता हूँ, आप भी खेलते हो, तो ये जो है ना कि हमें सुनने को मिलता है कि ज्यादा गेम खेलने से दिमाग खराब हो जाएगा, ज्यादा गेम खेलने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं दोस्तों, ऐसा रिसर्च बता रहा है कि इससे आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आपको अगर मैं एक चीज बताऊं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, तो इट्स बेसिकली ऐसा होता है कि यू रिएक्ट सो प्रॉपरली एट द सिचुएशन व्हाट यू आर इनटू। तो आपको जिस जगह पे जिस तरह का इमोशंस रिएक्ट करना होता है वो आप कर सही ढंग से कर पाते हो, तो ये गेम खेलने की वजह से और ज्यादा स्मार्ट हो जाता है आपकी सारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो ऐसा ही कुछ रिसर्च सामने आ रहा है, तो मैं एनकरेज नहीं कर रहा हूं कि आप रेगुलरली गेम खेलो, प्लीज आई एम नॉट एनकरेजिंग दिस। सो एनीवे, दिस इज जस्ट अ रिसर्च। तो चलते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ। हमारा जो आज का अगला न्यूज आ रहा है वो है सैमसंग की तरफ से, तो सैमसंग का A80 इंडिया में आ चुका है। हाँ दोस्तों, इसका प्री बुकिंग चालू हो गया, जो कि है 22nd of July से 31st of July तक चलेगा, और इसका जो अवेलेबिलिटी है वो हो जाएगा 1st of August से। और इसका अगर प्राइस का बात करें तो ये आ रहा है अभी इंडिया में 47,990 के प्राइस में, तो ये काफी एक अच्छा प्राइस है क्योंकि ये एक हाई एंड फोन होने वाला है विद रोटेटेबल कैमरा, 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा इसमें, फ्रंट एंड बैक वो रोट हो जाएगा आपका जो मैकेनिज्म है। तो एनीवे दोस्तों, ये फोन आपको 1st of August से मिल जाएगा। इसका अगर स्पेक्स का बात करें तो ये फोन आता है आपका 730G SoC चिपसेट के साथ, 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, और इसमें आपको मिल जाता है 8GB रैम, 128GB वेरिएंट, इंक्लूडिंग 3700 mAh का बैटरी। बैटरी दोस्तों इसका कुछ खास मुझे लगता नहीं, इतना पावरफुल फोन और इसमें सिर्फ 3700 mAh का बैटरी, आप क्या सोचते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हमारा जो आज का अगला अपडेट आ रहा है वो एक ऐप के बारे में। तो कुछ दिन से इंडिया में एक ऐप बहुत वायरल चल रहा है दोस्तों, सभी ये ऐप ट्राई कर रहे हैं। आप सही गेस किए, ये ऐप है आपका फेस ऐप। हाँ दोस्तों, ये जो ऐप है ये ऐप आपको जवान से बूढ़ा बना देगा, बूढ़ा से जवान बना देगा, मतलब आपको अगली से खूबसूरत बना देगा, तो कमाल है ये ऐप। एनीवे, ये एक स्मार्ट AI एल्गोरिदम पे काम करता है दोस्तों, मगर ये ऐप जो है ना दोस्तों, ये कितना सिक्योर है
वो एक कंफ्यूजन का बात है, क्योंकि दोस्तों एक ट्वीट आया है जो कि किया है आपका एलिजाबेथ पोर्ट वेस्टन ने, आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो। तो इसमें उन्होंने बताया कि इसका जब हम लोग ऐप यूज करते हैं तो इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है जिसमें हम लोग परमिशन देते हैं अपने फोल्डर्स, अपने डिवाइस के में जो भी अदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है, अपने डॉक्यूमेंट्स पे, अपने कॉन्टैक्ट्स पे, ये सारे परमिशंस हमको देना पड़ता है बिफोर यूजिंग दिस ऐप। तो दोस्तों ये कितना सिक्योर ऐप है वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लाइक वी आर जस्ट शेयरिंग आवर प्राइवेट डिटेल्स, आवर यूजर डेटा, तो ये क्या होता है ना, तो इसमें से जितने भी यूजर्स के डेटाज होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट डेटाज, फोटोज, ये सारे लीक आउट हो जाता है। तो ये कितना सेफ है, ये तो अभी तक तो ऐसा कुछ न्यूज़, कंफर्म न्यूज़ तो आया नहीं है, या तो ऐसा कुछ वायरल नहीं हुआ है कि हाँ इससे बहुत सारे डेटाज लीक हुआ है, पर आप क्या सोचते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला न्यूज़ आ रहा है वो है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग का गैलेक्सी नोट प्लस जो कि अगस्त 7 को लॉन्च होने वाला है, तो ये फ़ोन आपका 25 वॉट चार्जिंग के साथ आने वाला है। मगर एक लीक बाहर आया है जो कि आपका लीकर्स आइज यूनिवर्स की तरफ से, कि ये जो फ़ोन है ये सपोर्ट करेगा 45 वॉट चार्जिंग को भी। हाँ दोस्तों ये जो चार्जिंग है, मतलब ये इसका जो चार्जर है ये आपको एडिशनली शायद से ख़रीदना पड़े ये फ़ोन के लिए। जब ये फ़ोन आप खरीदोगे इनबॉक्स में तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इनबॉक्स में आपको 25 वॉट का चार्जर मिलने वाला है। तो देखते हैं जब ये फ़ोन लॉन्च होगा अगस्त 7 को तो क्या स्पेसिफिकेशन और इसमें हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तो लीक्स पे लीक्स बाहर आ रहा है। दोस्तों हमारा जो आज का अगला न्यूज़ आ रहा है वो है एचपी की तरफ से। तो एचपी ने लॉन्च कर दिया है अपना एक एचपी प्रोबुक 445G6 बिजनेस लैपटॉप को। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है इंडिया में वो होने वाला है आपका 67,260 रुपीज़ का। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप है और इसमें आपको मिल जाता है AMD प्रोसेसर विथ 180 डिग्री हिंज, जो कि आपका 180 डिग्री तक आप इसको फोल्ड कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस लैपटॉप है, अगर आपको परचेस करना है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका बाइंग लिंक दे के रखा है, तो आप जाके इसको परचेस कर लो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका कौन सा फेवरेट लैपटॉप ब्रांड है, वो बिजनेस हो या मल्टीमीडिया हो या कोई भी नॉर्मल कमर्शियल लैपटॉप हो। तो चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। दोस्तों आज का जो हमारा आखिरी न्यूज़ आ रहा है वो है शाओमी की तरफ से। तो शाओमी का रेडमी नोट 7 और नोट 7 प्रो में एक कलर वेरिएंट देखने को मिल रहा था। दोस्तों ये एक्चुअली चाइना में ही लॉन्च होने वाला है, तो इसका नाम अभी कंफर्म हो गया। इसका नाम आपको मैं बताऊं ना तो आप चौंक जाओगे। तो इसका नाम है दोस्तों मिरर फ्लावर वाटर मून। हाँ दोस्तों यही नाम है, मिरर फ्लावर वाटर मून। इसमें मिरर भी है, फ्लावर भी है, वाटर भी है, मून भी है, क्या नाम है दोस्तों। तो एनीवे दोस्तों ये जो फोन है ये चाइना में अवेलेबल हो जाएगा, सेम वेरिएंट है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ इसका कलर जो है इसका नाम पता चला है अभी। तो एनीवे दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टेक एपिसोड अच्छा लगा है तो नीचे जरूर कमेंट करें, अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का उसको भी प्रेस कर दे, और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी प्रेस कर दे फॉर एवरीडेज न्यूज नोटिफिकेशन। तो तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।